नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ जिस विषय को लेकर, वह विषय है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पावन पर्व जो कि प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी को आता है, इस बार 21 फरवरी 2020 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि का महान पर्व आ रहा है। भगवान शिव का यह महान पर्व शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इससे बेहतर समय और कोई पूरे वर्ष में नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय का पूरा लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। अपने जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, नंदी के अश्वार, यानी कि भगवान शिव के समान पूरे त्रिलोक में कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो कि दिल खोल कर देने वाला हो। भगवान शिव देते हैं छप्पर फाड़ कर, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। बहुत भोले हैं, दिल खोल के देते हैं। जो भी आपके मन में इच्छा है, जल चढ़ाइए और मांग लीजिए, दिल खोल कर भगवान शिव आपको देंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास के साथ किया हुआ उपासना जीवन में अचूक लाभ देने वाला होता है। इस बार चुकने की आवश्यकता नहीं है, पूरे मन एवं श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान शिव के इस शिवरात्रि के दिन यानी त्रयोदशी से प्रारंभ होकर और चतुर्दशी प्रातः काल तक यह महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का महत्व पूरे दिन एवं विशेष करके रात्रि में तो अद्भुत महत्व है। रात्रि के समय अगर जागरण करते हुए भगवान शिव का पूजन अभिषेक वगैरह किया जाए तो जीवन के प्रत्येक समस्याओं से आप छुटकारा प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में इसी दिन प्रकट हुए थे। भगवान शिव एवं मां पार्वती का मिलन भी इसी दिन हुआ था, विवाह की भी स्थिति इस दिन बनी थी या फिर विवाह भी हुआ था, बहुत सारे जगहों पर ऐसा भी वर्णन है। तो पूरे देश में बड़े धूमधाम से माँ पार्वती और शिव के विवाह की झांकी भी बहुत जगहों पे निकाली जाती है और दोनों का विवाह भी बहुत जगह पे कराया जाता है, इसलिए इस महान पर्व का बड़ा ही अद्भुत महत्व है। अब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इस महाशिवरात्रि के दिन आप किसी भी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक प्रकार के तरीके हैं, लेकिन आज मैं जिस विषय को लेकर आया हूँ वह विषय है शत्रुओं से परेशानी। लोग इस दुनिया के अंदर यानी कि इस संसार के अंदर जितने लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतने लोग आपके सुखों को देखकर अधिक दुखी हैं कि आप क्यों सुख और चैन से अपने जीवन को जी रहे हैं। आपके सुख शांति को भंग करने के लिए अनेकानेक प्रकार के यत्न प्रयत्न किए जाते हैं कि आप जीवन में परेशान हो जाए, जबकि ऐसी धारणा कभी होनी ही नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना भाग्य होता है जीवन में, अपने तरक्की के लिए अपने भाग्य को चमकाना बहुत आवश्यक है। तो शिव के शरण में जाएं और अपने शत्रुओं को नष्ट करने हेतु महाशिवरात्रि के दिन एक छोटा सा मंत्र आपको बताता हूँ। उस मंत्र से कुसा मिश्रित जल यानी कि कुसा को जल में छोड़ना है और उसी जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है, और उसके अलावा शत्रुओं के नाश हेतु यानी कि शत्रु आपका परास्त हो जाए, जीवन में बेहतर मार्ग पर आप जा सकें, जो भी समस्याएं शत्रु के द्वारा आपके जीवन में क्रिएट की जा रही हैं वह खत्म हो जाए, उसके लिए आपको सरसों के तेल का भी अभिषेक करना बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, वह मंत्र है ओम नमः काल रूपाय। अब उसके बाद अपने शत्रु का नाम लेना है अमुक, यानी कि अमुक जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वहाँ शत्रु का नाम लेना है, और उसके बाद बोलना है भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को फिर से एक बार सुन लीजिए, ओम नमः नमः काल रूपाय अमुक, यानी कि उसके जगह पे नाम भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से भगवान शिव का कुसा मिश्रित जल से अगर आप अभिषेक करते हैं
पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति के साथ या फिर आप सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं तो निश्चित मानिए पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, विशेष करके रात्रि के निशा रात्रि में अगर आप कर देते हैं, यानी कि 12 बजे से लेके और 2-2.5 बजे के आसपास में अगर ऐसा इस मंत्र से भगवान शिव का श्रद्धा और विश्वास के साथ अभिषेक करते हैं तो ये निश्चित है कि आपका शत्रु आपसे परास्त हो जाएगा और फिर दोबारा आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। जीवन में विजय श्री की प्राप्ति होगी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। इसके लिए आपको भगवान शिव का पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए, गंध धूप दीप नैवेद्य, और उसके बाद भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करें और फिर अभिषेक प्रारंभ करें। उस शत्रु के नाम से इस मंत्र का पाठ करते हुए आप निरंतर कुछ समय तक अभिषेक करते रहें, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव शत्रुओं का नाश करेंगे। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस समस्या का निदान आपको नहीं मिल रहा है, उस समस्या से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर संपर्क करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।